हेलो गाइस, वेलकम बैक टू 3 Eds & 10s। मैं हूं ऋत्विक। आज का जो वीडियो है मुद्दे के बाद का वीडियो है, तो वीडियो पूरा देखिए तो ही समझ में आएगा कि मैं क्या कन्वे करना चाहता हूँ। शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का वीडियो है वुमन सेफ्टी के ऊपर। आज का मुद्दा है वुमन सेफ्टी। हाल फिलहाल में हाथरस में जो केस हुआ है, उस केस ने पूरे भारत को हिला के रख दिया है। आप सोच सकते हैं, उस लड़की के साथ हो गया रेप, उसके बाद उसकी जीभ काटी गई, उसके बाद उसके नेक पे हार्म हो गया, उसके वजह से वो लड़की उठ नहीं पाई और कुछ दिन बाद वो मर गई। उसकी बॉडी तक उसके घर वालों के पास नहीं दी गई, उसी रात उसकी बॉडी जला दी गई। और इसके बाद शुरू हुआ पूरा खतरनाक केस। इसमें कास्ट इन्वॉल्व हुई, इसमें रिलीजन इन्वॉल्व हुआ, इसमें मीडिया इन्वॉल्व हुई, पर इसमें जिसके बारे में बात होनी चाहिए थी, जिस जस्टिस के बारे में बात होनी चाहिए थी, रेप के बारे में, उस लड़की के जस्टिस के बारे में, उस पर कोई बात नहीं हो रही। और ये बहुत शर्मनाक बात है। एज ए इंडियन सिटीजन इन 21st सेंचुरी, हम सोच रहे हैं कि भारत को एक सुपर नेशन बना दे। पूरे भारत में एक चल रहा है कि हम एक भारत को सुपर पावर बना दे पूरे वर्ल्ड में, जो पूरे वर्ल्ड में एक जबरदस्त कंट्री के रूप में उभर कर आए। उसी देश में वुमेन्स की इतनी बुरी हालत है, हम 133 नंबर पे आते हैं वुमेन सेफ्टी के मामले में। आप सोच सकते हैं इंडिया में वुमेन सेफ्टी का दर्जा कितना नीचे है, स्तर कितना नीचे है। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा। आज का पूरा वीडियो फैक्ट्स के ऊपर रहेगा। और आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि उसी भारत में आप रह रहे हैं जिसमें ये सब बातें घट रही है। रेप रिपोर्टेड एवरी 15 मिनट्स। इंडिया में हर 15 मिनट में रेप रिपोर्ट हो रहा है। और आप सोच सकते हैं हथरस जैसी घटना है जो उभर के ऊपर आई है, क्योंकि उसका स्वरूप इतना खराब था। ऐसी घटना हर 15 मिनट्स में हमारे यहाँ रिपोर्ट हो रही है। और ये बात हो रही है रिपोर्ट होने वाले घटनाओं के बारे में। ऐसी कई घटनाएं होंगी जो रिपोर्ट भी नहीं हुई होगी, क्योंकि रिस्पेक्ट की बात आती है, क्योंकि लड़की के फुल फ्यूचर की बात आती है, तो रिपोर्ट भी नहीं हुई होंगी। रेप जैसी एक इतनी घिनौनी बात हो रही है इंडिया में हर 15 मिनट्स पे रिपोर्ट हो रही है। आप समझ सकते हैं कि कितना नीचे गिर चुका है स्तर वुमेन सेफ्टी का इंडिया में। इससे आगे बढ़ के बताना चाहूंगा, इंडिया इज अ होम टू द हाईएस्ट नंबर ऑफ चाइल्ड ब्राइड्स। ओवर 47% गर्ल्स गेटिंग मैरिड बिफोर द एज ऑफ 18। हम जहां बात कर रहे हैं कि वुमेन्स को सीईओ बनना चाहिए, हर क्षेत्र में महिला उभर के ऊपर आ रही है। जॉब्स में मेल्स के साथ फीमेल्स भी हर जगह पे दिखाई दे रही है। हर काम के लिए वुमन एकदम कैपेबल है। वही उसी देश में 47% गर्ल्स, मतलब 18 एज के अंडर उनकी शादी हो रही है। आप समझ सकते हो जी उनके एजुकेशन के क्या हाल हुए होंगे। जॉब तो आप छोड़ ही दीजिए, सेल्फ रिस्पेक्ट तो है ही कहा, फिर उनमें डेवलप ही कहा होता होगा, उनकी बात कौन सुन ही रहा होगा वहां पे। 18 के पहले ही उनकी शादी हो रही है। आगे बढ़ना चाहूंगा, इंडियन वुमन स्टिल कैनॉट स्टेप आउट एट हर विल बिकॉज वन स्टॉकिंग केस इज रिपोर्टेड एवरी 55 मिनट्स। हर 55 मिनट्स में एक स्टॉकिंग केस रिपोर्ट हो रहा है। मैं फिर से बात कर रहा हूं, ये रिपोर्ट होने वाली बातें हैं। ऐसी कई केस होंगी जिसमें रिपोर्ट भी नहीं होता होगा। बाहर घूम नहीं सकती इंडियन वुमेन्स, बाहर घूम नहीं सकती, क्योंकि हर स्टॉकिंग का डर है, रेप का डर है। हम शहरों में रहते हैं, शायद हमें लगता होगा कि ये सब कम है। शहरों में भी ये घट रहा है, शहरों में भी ऐसे केसेस घट रहे। आगे बढ़ के अगर बोलूं, 31% ऑफ मैरिड वुमन हैव एक्सपीरियंस फिजिकल, सेक्सुअल और इमोशनल वायलेंस। ये डोमेस्टिक वायलेंस रेप से भी ज्यादा बढ़ के इंडिया में आ रहा है, जहां पे हर 15 मिनट्स में रेप की घटना रिपोर्ट हो रही है, वहीं पे डोमेस्टिक वायलेंस सबसे बड़ा क्राइम है वुमेन्स के अगेंस्ट इंडिया में। मतलब आप सोच सकते हो इंडिया में डोमेस्टिक वायलेंस किस लेवल पे है अगेंस्ट वुमेन्स। पीटी उषा, पीवी सिंधु जैसी महिलाएं स्पोर्ट्स में अपना नाम आगे कर रही है। कितने वुमेन्स है जो न्यूज मीडिया में हमारा नाम आगे कर रही है, न्यूज रिपोर्ट्स में जो है उधर हमारा नाम आगे कर रहे हैं। इंडिया में मतलब वुमेन्स बहुत ज्यादा अच्छे स्तर पे जा रहे हैं, वही उसी इंडिया में ये सब भी घट रहा है।
आप सोच सकते हो जो मेंटालिटी है रेप के अगेंस्ट इंडियंस की, लोग हरियाणा में, यूपी में लोग कह रहे हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, लड़की की भी गलती है रेप में, ये किस तरह की घिनौनी सोच है? किसी तरीके के कपड़े, किसी भी एज में, किसी भी धर्म में, किसी भी कास्ट में, अगर रेप किसी भी लड़की पे कास्ट रेप हो रहा है ना, तो उसके लिए जो लायबल है वो सिर्फ बुरी मेंटालिटी है रेपर्स की, जो रेप कर रहे हैं उनकी बुरी मेंटालिटी है बस, बाकी कुछ उसमें लड़की का हाथ नहीं है, उसके छोटे कपड़े का हाथ नहीं है, उसके कास्ट का हाथ नहीं है, उसके रिलीजन का हाथ नहीं है, उसके एज का हाथ नहीं है, बस रेप जो कर रहा है वो उसके लिए लायबल है। और उन लड़कियों को, उन वुमन्स को जस्टिस मिलना चाहिए। 8 साल बाद निर्भया के केस में उसे जस्टिस मिला, 8 साल बाद। आप समझ सकते हो क्या हालत हुई होगी उस घर के लोगों की, 8 साल तक वो लड़ते रहे, उनकी अपनी औलाद मर गई रेप के वजह से, रेप हो गया, उसकी इज्जत भी जा चुकी है। और मेरे को ये समझ में आता है उस लड़की की इज्जत पे क्यों आता है, लड़के है जो वो काम कर रहे वहां पे, और न्याय व्यवस्था रहनी चाहिए। ऐसे भी केस घटे हैं जहां पे फेक एलिगेशन लगाया गया रेप का, तो न्याय व्यवस्था होनी चाहिए। पर 8 साल ये बहुत बड़ा पीरियड है, 18 के अंडर शादियां हो रही है, हर 55 मिनट्स में हमारे यहाँ एक केस दर्ज किया जा रहा है स्टॉकिंग का। आप समझ सकते हो इतने बुरे हालत में वुमन सेफ्टी है हमारे इंडिया की। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोस भी, लिंक भी डाल दूंगा वीडियोस के, वो देखिए, और वो देखने के बाद आपको और क्लियर इमेज आएगी इस वीडियो की कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इंडिया में वुमन सेफ्टी का जो दर्जा है और नीचे गया है, क्यों गया है, स्क्रीन पर आर्टिकल्स जो मैं डाल रहा हूँ वो पढ़िए, उससे आपको समझेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट इश्यू बन के अब उभर आ रहा है। हमारे नेते जिनके हाथों में ये देश है ना, वो इतने घटिया स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। सीएम जो है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा है कि वुमन्स इंडिपेंडेंट रहने के लायक नहीं है। ममता बैनर्जी, एक लीडिंग पॉलिटिशियन है वो भी, उन्होंने कहा, खुद वुमन है, उन्होंने कहा है कि फ्रीली बॉयज और गर्ल्स, मेल्स और फीमेल्स इंटरैक्ट करते, उसके वजह से रेप केसेस बढ़ रहे। और बीजेपी के कई नेते हैं जिन्होंने कुछ घटिया से कमेंट किए हैं। एक बीजेपी के एमएलए ने कहा है कि उस लड़की का अफेयर चल रहा था और उसके वजह से उस पर रेप हो गया। आप समझ सकते थे घटिया मेंटालिटी में हमारे पॉलिटिशियंस हैं जिनके हाथों में हमारा देश है। हमें वुमन सेफ्टी के लिए आगे बढ़ना होगा, न्याय व्यवस्था पे भरोसा रखना होगा। न्याय व्यवस्था जरूरी है, पर वो फास्ट ट्रैक कैसे की जा सकती है उसके हिसाब से हमें बातें करनी होगी। आज का वीडियो यही एंड करते हैं। आपका इस पूरे मुद्दे के ऊपर क्या टेक है हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, और उसी सरकार को वोट दीजिए प्लीज जो वुमन सेफ्टी के मुद्दे को कुछ काम कर रहे हैं। हम अभी तो देख रहे हैं पूरे, मतलब भसड़ मच चुकी है, क्या किस तरीके से ये केस, हतरस की जो विक्टिम थे उसे न्याय मिलेगा कि नहीं अभी वो भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इतने उसके कास्ट के ऊपर बात हो गई है, उसका अफेयर था, मतलब इतना गलत गलत उसके बारे में छापा जा रहा है कि हम सोच तक नहीं सकते। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ये वीडियो शेयर कीजिए, ये बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर और मुद्दे की बात के वीडियोस, मुद्दे पे बात के वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो मैं यहाँ आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, पूरी प्लेलिस्ट वहाँ पे है। इम्पोर्टेंट इश्यूज के बारे में बात करता हूँ, इम्पोर्टेंट मुद्दे के बारे में बात करता हूँ मैं। तो यही रहा आज का वीडियो, यही एंड करता हूँ आज का वीडियो। थैंक यू सो मच।